वही खबर लालसोट से आ रही है, जहां लालसोट में नालियों में गंदगी अटक पड़ी है, जिसकी वजह से सफाई कर्मचारियों के आगे बेबस नजर आ रहे हैं सरपंच। दौसा जिले का उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवाड़ा इन दिनों गंदगी का साम्राज्य बनता जा रहा है। कस्बे की नालियों की कई माह से सफाई नहीं होने से यहां की नालियां गंदगी से अटकी पड़ी हैं। वहीं पानी निकासी नहीं होने से जगह जगह पानी का भराव सड़कों पर बना हुआ है। कस्बे में चौतरफा गंदगी से लोग परेशान हुए हैं। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच घनश्याम खटीक कस्बे की सफाई करवाना चाहते हैं, मगर सफाई कर्मियों के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। ग्राम पंचायत की माने तो सफाई कर्मी 3 घंटे कार्य करने के 300 रुपए मांगते हैं, जो ग्राम पंचायत सिस्टम के खिलाफ है। सफाई कर्मियों की मनमर्जी के चलते रामगढ़ बछवाड़ा कस्बे की नालियां कई माह से गंदगी से अटकी पड़ी हैं, जिससे कई बीमारियों का अंदेशा बना हुआ है। बस स्टैंड से कस्बे के बीच पानी का भराव बनाकर तालाब बना हुआ है, मगर जल प्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते राहगीर परेशान बने हुए हैं। वहीं सरपंच ने कस्बे वासियों से अपील करते हुए सफाई कर्मियों को समझाइश करने की मांग की है। बिजवल ग्रामीण नालियों की सफाई करते हुए सरपंच साहब, ग्राम रामगढ़ पचवाड़ा के अंदर गंदगी से नाली अटी पड़ी है, सफाई को कई महीने गुजर गए हैं लेकिन सफाई नहीं हो रही है, इसमें क्या कहना चाहोगे आप? सफाई कर्मी यहाँ स्थायी सफाई कर्मी है, जो अपनी मनमर्जी करते हैं, वो काम करने के इच्छुक नहीं है, अपनी मर्जी के हिसाब से काम करना चाहते हैं। जबकि हम हमारे जो सिस्टम है हमारा कार्य करवाने का, उसमें कम से कम 8 घंटे मजदूर काम करे, और जितने मजदूर करते हैं जितना काम उतना दाम, उसी के हिसाब से जिस काम हो ना, पूरे 8 घंटे काम होना चाहिए। कम से कम 4-5 ट्रॉली कचरा डेली का वहाँ से कचरा उठा के दूसरे स्थान पर बाहर गांव के पूरी आबादी से बाहर डालना होता है, तो वो उसमें मनमानी करते हैं, हमारे हिसाब से काम नहीं करना चाहते हैं। इनके वो कितने घंटे काम करना चाहते हैं? वो 3-4 घंटा काम करना चाहते हैं। और पैसा कितना लेना चाहते हैं? मजदूरी तो वही 300 रुपए की लेते हैं। 3 घंटा काम करते हैं और 300 रुपए की मजदूरी लेते हैं, तो इस टाइम पे ग्राम पंचायत में बजट कितना बड़ा हुआ है? अब ग्राम पंचायत बजट तो आता रहता है, टाइम टाइम पर बजट आते रहते हैं। वैसे अब योजनाओं में सफाई कार्य के लिए कोई अनुमति नहीं होता है, निजी आय से सफाई कार्य अनुमति रहता है, तो निजी आय यहाँ ग्राम पंचायत में है नहीं, जैसे तैसे व्यवस्था हम करते हैं ग्राम पंचायत में। तो आपने कई बार सफाई कर्मियों से संपर्क किया लेकिन वो सफाई नहीं करना चाहते हैं? वो यही मांग रखते हैं कि हम तो 2 ट्रॉली कचरा भरेंगे, 3-4 घंटा काम करेंगे, बस मनमानी है। तो इस मुद्दे को आप ग्राम के बीच में क्यों नहीं पेश किया? आपने सभी ग्रामीणों को पता चले कि ये स्थिति पैदा हो रही है, कहा है ग्रामीणों से भाई आप सफाई कर्मियों से बात करो, अब सिस्टम से काम करवाओ, हम काम करवाने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या अपेक्षा की जाए ग्रामवासी सफाई के लिए? ग्रामवासियों से निवेदन है कि वो सफाई कर्मियों से वो हमारे साथ बैठ के आए ग्राम पंचायत में, और हमारे साथ बैठ के सफाई कर्मियों से बातचीत करें, सिस्टम के अनुरूप अगर वो काम करते हैं तो काम पे लगा दिया जाए। और जैसा कि सिस्टम के अनुरूप काम नहीं हुआ तो क्या गंदगी पड़ी रहेगी रामगढ़ पचौरा में? अगर ये नहीं मानते तो हमें मजबूरन बाहर से मजदूरों को लाना पड़ेगा, अन्यत्र दूसरी जगह से मजदूरों को लाना पड़ेगा, और जो पैसा खर्च होता है उसके अनुरूप काम भी होना चाहिए, बात ये है ना।